बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम अलैकुम। आप शनासी के साथ एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी हाज़िर हूँ। आज हम गुफ्तगू करेंगे बुर्ज हमल एरीज़ के बारे में। ज़हनी एतबार से हमल अफराद इस बात पर फ़ख्र करते हैं कि वो ज़हीन और हकीकत पसंद हैं, लेकिन उनकी सोच में सख्ती मफकूद हो सकती है। ये लोग तेज़ फहम होते हैं, लेकिन इनकी सोच का अमल थोड़ा सा नाकस हो सकता है। इनकी वजदानी फितरत अब जो है वो बेसब्री इन्हें आगे छलांग लगाने पर मजबूर कर सकती है और इनको किसी की ज़ात से फ़ायदा पहुंच सकता है। मैंने सोचा कि मैं शेक्सपियर की किसी नज़म से इब्तदा करूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्यों करूं, वो कभी मेरी नज़म तो नहीं पढ़ता। ये कहना था स्पाइक मिलिगेन का, जो कि कमेडियन थे। इनका ताल्लुक भी बुर्ज हमल एरीज से था। अगर आप भी ऐसे ही हैं तो इस बात की तवक्को मत रखिए कि आपको आपके सब्र का फल मिलेगा। हो सकता है कि किसी किताब, वाक्य या मंसूबे की कामयाबी पर आपका बादन नाख्वास्ता शुक्रिया अदा किया जाए, लेकिन आप किसी तोहफे या कार्ड की तवक्को मत रखें। ये हमल अफराद का स्टाइल नहीं है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।